दोस्तों सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों में होने वाली सबसे ज़्यादा समस्या सर्दी जुकाम खांसी की ही होती है। खांसी जुकाम तो आम समस्या है। इन सब की रोकथाम के लिए सबसे बेहतरीन दवा होती है काढ़ा। यूं ही नहीं, हमारे दादा दादी सर्दी होती हमें काढ़ा बनाकर पिलाते थे। कोई तो बात होगी इसमें, तभी तो आज भी सर्दी खांसी जुकाम होता है तो काढ़ा पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि काढ़ा सर्दी खांसी जुकाम से काफ़ी राहत दिलाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घर का खाना सेहत खजाना में। तो आज हम बनाएंगे सर्दी खांसी और जुकाम इन सब की रोकथाम के लिए सबसे बेहतरीन दवा यानी कि काढ़ा। तो चलिए काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए आप एक पतीला, उसमें डाल दीजिए करीब 2 गिलास पानी और पानी को उबाल आने दीजिए। जैसे कि पानी में उबाल आ गया है तो अब इसमें डाल दीजिए 1 टुकड़ा दालचीनी का। दोस्तों दालचीनी को वंडर स्पाइस भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि एक तो खाने के टेस्ट को एनहेंस करता है और साथ ही सेहत के लिहाज से देखा जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है। दालचीनी बहुत ही बढ़िया औषधि है, सर्दी जुकाम और गले की सूजन को कम करता है। तो दोस्तों अब मैंने इसमें डाल दिए हैं काली मिर्च के 7-8 दाने। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो सर्दी खांसी से आपको राहत दिलाने में मदद करता है। 4 से 5 लौंग डाल देंगे इसमें। लौंग सर्दी खांसी जैसी आम समस्या में एक कारगर घरेलू नुस्खा है। लौंग में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो सर्दी खांसी से आपको निजात दिलाते हैं। और दोस्तों अब इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची। ये एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और पोटेशियम के गुणों से भरपूर है। ये सारे तत्व हमारे शरीर से जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालने में मदद करता है और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाने में काम करता है। साथ ही सर्दी खांसी और जुकाम गले की खराश से ये राहत दिलाता है। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन सर्दी खांसी जुकाम बहती नाक और ठंड से निजात पाने की अचूक दवा का काम करता है। और अब इसमें डालेंगे 1 छोटा टुकड़ा अदरक जिसको हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। अदरक भी खांसी जुकाम में बहुत राहत देता है। 1 छोटा टुकड़ा कच्ची हल्दी का डाल देंगे इसमें। सर्दियों के मौसम में कच्ची हल्दी का उपयोग सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में हल्दी पाउडर की तुलना में ज़्यादा गुण होते हैं। इससे हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हल्दी हमारे शरीर में बैक्टीरिया की समस्या से बचाव करता है, ये बुखार होने से रोकता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इसमें इन्फेक्शन से लड़ने के गुण भी पाए जाते हैं। कच्ची हल्दी से बनी चाय या दूध या काढ़ा पीने से लाभ मिलता है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, ये खांसी जुकाम को ठीक करता है। पोषक तत्वों से भरपूर कच्ची हल्दी कड़कड़ाती ठंड से आपको बचाकर शरीर को गर्म रखती है। अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 पत्ते तुलसी के। तुलसी तो ऐसी औषधि है जो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर कई बीमारियों को दूर करता है और साथ ही बढ़ते प्रदूषण के असर को तुलसी का काढ़ा पीने से काफ़ी फायदा होता है। तुलसी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बेहतर बनाता है। तो इसे 1 बार चमचे से इस तरह से चला लेंगे और ढक कर कम आँच में करीब जब तक ये आधा ना हो जाए पानी तब तक हम इसे पकाएंगे। तो दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए पकते पकते हमारा जो पानी है ये करीब आधा रह गया है और अब हम इसमें डालेंगे। तो दोस्तों अब इसमें डालेंगे 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का। गुड़ अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें अलग अलग तरह के मसाले औषधि डाली हैं जिससे कि इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा अलग आपको लग सकता है, अजीब लग सकता है या फिर आपको हल्का सा कड़वा भी लग सकता है। इसलिए इसकी टेस्ट आपको अच्छा लगे इसका, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। दोस्तों गुड़ सर्दियों में पावर बूस्टर का काम करता है। गुड़ शरीर को गर्माहट देता है, गुड़ की तासीर गर्म होती है, इससे खांसी जुकाम में काफ़ी आराम मिलता है, गले की खराश को भी ये दूर करता है। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे काला नमक थोड़ा सा। सर्दी खांसी जुकाम में काला नमक काफ़ी फायदेमंद होता है। गर्म पानी में काला नमक मिलाकर अगर आप इसकी भाप को सूंघते हैं तो बलगम वाली खांसी जो होती है वो भी इससे दूर होती है। तो दोस्तों इसे एक बार हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसे ढक कर 7 से 8 सेकेंड्स को और थोड़ा पका लेते हैं ताकि जो गुड़ है हमारा अच्छे से पिघल जाए। 7-8 सेकेंड्स बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए गुड़ हमारा अच्छे से जो है पिघल गया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो दोस्तों तैयार है हमारा मसाला और औषधियों को पानी में उबाल कर बनाया गया काढ़ा। आप एक बार उबालने के बाद इस काढ़े का सेवन दिन में 3 बार कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले काढ़े को गर्म ज़रूर कर लें तभी इसका सेवन करें। दोस्तों काढ़ा एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। काढ़ा सर्दी जुकाम से राहत तो आपको दिलाएगा ही, साथ ही ये पाचन तंत्र को भी मजबूत करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बेहतरीन काढ़े की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल घर का खाना सेहत खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का बटन उसे बजा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।